नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं किस तरीके से आप अपने ब्रॉडबैंड को प्रॉपर तरीके से रिप्लेसमेंट कर सकते हैं जियो ट्रू 5G नेटवर्क के साथ, या हम बात करें आप एयरटेल का अनलिमिटेड डेटा चला रहे हैं तो आप उसे किस तरीके से रिप्लेसमेंट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं आपको अपने मोबाइल की स्पीड टेस्ट दिखाऊँ जो कि मुझे कितनी स्पीड मिलती है यहाँ पे। तो 5G नेटवर्क पे अराउंड मुझे 200-230 मतलब 250 के करीब, अराउंड 300 तक भी पहुंच जाए, शायद नहीं पहुंचेगी। तो यहाँ पे 250 Mbps की स्पीड मिलती है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यही स्पीड तब मैं लैपटॉप में बाया वाईफाई चेक करता हूँ तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ड्रॉपनेस देखने के लिए मिलता है, इंटरनेट ड्रॉपनेस देखने के लिए मिलता है। हाई स्पीड इंटरनेट की एक्सपेक्टेशन रखूँ तो वो भी नहीं मिल पाती। तो यही टेस्ट में यहाँ पे अराउंड आप देखेंगे 300 Mbps के करीब का डिस्टेंस देखने के लिए मिला है, मतलब स्पीड टेस्ट देखने के लिए मिला है हमें। लेकिन यही टेस्ट हम बाया मोबाइल फोन मतलब हॉटस्पॉट के द्वारा करते हैं तो अच्छा खासा मतलब अराउंड 50% के करीब ड्रॉपनेस देखने के लिए मिलता है। तो इसे कैसे खत्म किया जा सकता है, तो यहीं पे हम बात करेंगे कि इसे किस तरीके से ज्यादा अच्छी स्पीड आप डायरेक्टली अपने मोबाइल फोन से डायरेक्टली लैपटॉप या डेस्कटॉप पे दे सकते हैं। ये जो हम पूरा टेस्ट कर रहे हैं वो 3500 MHz फ्रिक्वेंसी पे कर रहे हैं, लेकिन यही हम बस आप करेंगे थेरिंग यूएसबी मतलब यूएसबी थेरिंग से इसकी शेयरिंग करेंगे इंटरनेट की। तो यहाँ पे लिख के आता है ट्रांसफर फाइल रेडी, तो इसे कैंसिल करके सेटिंग में जाएंगे। तब आप सेटिंग में पहुँचेंगे तो इंटरनेट एंड डिवाइस, और यहाँ पे हॉटस्पॉट एंड थेरिंग, एंड इसे ऑन कर देना है यूएसबी थेरिंग को। जैसे ही आप यूएसबी थेरिंग को ऑन करेंगे तो अब मोबाइल स्क्रीन का कुछ काम नहीं है, क्योंकि बस यही आपको ऑप्शन एक क्लिक करना था और मोबाइल का जो हॉट स्पॉट है वो आप बंद कर सकते हैं, क्योंकि अब किसी काम का नहीं है वो हॉट स्पॉट, क्योंकि अब आप एज अ ईथरनेट केबल अपने मतलब मोबाइल से डायरेक्टली अपने लैपटॉप पे कनेक्ट हो गए या डेस्कटॉप पे कनेक्ट हो गए। और उन डिवाइसों में भी सबसे ज़्यादा अच्छा ये काम रहता है जिनमें आप RJ45 या इन तरीके की जैक नहीं होती, या बात की जाए तो हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी नहीं होती, तो आप नॉर्मल डेस्कटॉप को भी कर सकते हैं कनेक्ट 5G कनेक्टिविटी के साथ। अब मैं स्पीड टेस्ट देखूं, क्या मुझे इसमें स्पीड टेस्ट का बहुत ज़्यादा ड्रॉपनेस देखने के लिए मिलता है? तो दोस्तों अराउंड अराउंड में बात करूं 200 मतलब जो हमारा ड्रॉपनेस था वो भी अब पूरा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोबाइल मैंने रख दिया था बैंड इसी साइड होते हैं। तो यहाँ पे मैं खड़े पे दोबारा से टेस्ट करूं, जो मेरा ड्रॉपनेस था वो आप देखेंगे पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई दिया, और जो मुझे स्पीड थी अब स्टेबल स्पीड मिल रही है। सबसे अच्छी बात यह है जो मुझे अपने मोबाइल फोन के अंदर मिल रही थी वही स्पीड अब अराउंड लमसम मतलब 30-35 Mbps का डिफरेंस है, वो मैनेजेबल रहता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे सबसे अच्छी बात यह है कि अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड विदाउट एनी ड्रॉप मुझे देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे मैं और ज्यादा एक बार टेस्ट करूँ तो जो मुझे स्पीड सेम अपने मोबाइल फ़ोन में, क्योंकि थोड़ा सा स्टेबिलिटी में टाइम लगता है, जो स्पीड मुझे अपने मोबाइल फ़ोन पे मिल रही थी वही स्पीड अब मुझे अपने डेस्कटॉप पे मिल रही है। तो मतलब आप यहाँ पे देखेंगे कि कितनी अच्छी स्टेबिलिटी आ जाती है सिर्फ आप यूएसबी थेरिंग का यूज़ करते हैं तो। लेकिन यही एक्सपेक्टेशन आप हॉटस्पॉट से नहीं रख सकते, क्योंकि वहाँ पे एक अलग तरीके का पूरा मैकेनिज्म है कनेक्टिविटी, वो लैपटॉप की भी डिपेंडेंसी रहती है और मोबाइल के हॉटस्पॉट की क्वालिटी की भी, वो कितना अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहा है। यहाँ पे हम बात करें डाउनलोडिंग की, जैसे कि कोई मूवी डाउनलोड करते हैं तो इतनी स्पीड में कैसी आपको डाउनलोडिंग देखने के लिए मिलती है। दोबारा से एक बार स्पीड टेस्ट करते हैं और कितनी डाउनलोडिंग स्पीड मिली, क्योंकि बहुत देर हो गई है क्योंकि हम कनेक्टिविटी के साथ ही रखे हुए। तो यहाँ पे रनअप करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे अराउंड जितनी मुझे मोबाइल पे मिल रही थी उससे थोड़ी सी ज़्यादा अराउंड 30 Mbps की स्पीड देखने के लिए मिल रही है मुझे लैपटॉप में। लेकिन यहाँ पे बात करूँ मैं कि और 85, 86, 89, 100 Mbps उम्मीद नहीं है पहुँचेगी, लेकिन शायद पहुँच भी जाए तो 92 तक पहुँची, तो वो ये भी बहुत अच्छी स्पीड है। और यहाँ पे अब डाउनलोड करते हैं मूवी की, कितना टाइम लगता है एक मूवी डाउनलोड होने में और कब आपको कितनी स्पीड मिलती है। तो मैं यहाँ पे सीधे डाउनलोड में जाऊँ और ये आप देखेंगे तो जो डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है वो 22-23, क्योंकि क्रोम पे थोड़ी सी हल्की रहती है, आप पार्टिकुलर कोई डाउनलोडर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आपको अच्छी स्पीड मिलती है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ तो
बहुत अच्छी स्पीड 24, क्योंकि ये सर्वर प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ कि 23-24 Mbps की आपको पार्टिकुलर डाउनलोडिंग स्पीड मिल रही है, रियली इज सो अमेजिंग। और आप देखेंगे कि बहुत स्पीड से मेरी मूवी डाउनलोड हो गई है। तो जो हमने ये पूरा टेस्ट किया है वो 3500 MHz पे किया है, अब चलते हैं 700 MHz पे, क्या स्पीड रहती है और कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या हम ब्रॉडबैंड को रिप्लेस कर सकते हैं इस कंडीशन पे। लेकिन टेस्ट करने से पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। तो फाइनली आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, जो कि हमारा अब कनेक्टिविटी जो है वो 700 MHz पे है, ऊपर हमने 3500 MHz पे कंडक्ट किया था पूरा टेस्ट। तो यहाँ पे मैं क्रोम पे स्पीड चेक करूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बैठा होता हूँ तो अराउंड मुझे कम से कम अनऑफिशियल लॉन्च होने के बाद भी सिटी में बहुत टाइम के बाद मुझे अपने रूम के कमरे के अंदर इंटरनेट 5G यूज करने के लिए मिला था, क्योंकि रेंज बढ़ने में अराउंड 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो मुझे स्पीड मिल रही है वो अराउंड 150 150 150 Mbps की मिल रही है, जो कि मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज़्यादा नहीं मिलती। और यहाँ पे आप देखेंगे आप टोटल स्टेबिलिटी जो स्पीड थी वो 98.2 Mbps की थी। तो यहाँ पे ज़्यादा खास एक्सपेक्टेशन नहीं रखता मैं कि मुझे बहुत अच्छी इंटरनेट स्पीड मिलेगी, लेकिन यह है कि तब हम कनेक्टिविटी बाया सी टाइप कनेक्टिविटी ले रहे हैं अब हम, और यहाँ पे तो मैं इसे, और यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हमें अंदर जाके सेटिंग में ही करना पड़ेगा। तो हम सेटिंग में करते हैं इंटरनेट, और हॉटस्पॉट में जाएंगे यूएसबी थियरिंग पे। जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं तो वो डेस्कटॉप पे डायरेक्टली अब हम एक्सेस कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से जियो ट्रू 5G अपने डेस्कटॉप वर्जन पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो मैं सबसे पहले स्पीड टेस्ट करूं, तो यहाँ पे जो मुझे स्पीड मिलती है वो जितनी मुझे डेस्कटॉप पे मिल रही थी, क्योंकि थोड़ा सा लोकेशन में, क्योंकि अब मैंने मोबाइल लेटा के रख रखा है, तो इसलिए भी यहाँ पे जो मुझे स्पीड मिल रही थी वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छी भी मिल सकती है। तो जितनी मुझे मोबाइल पे नहीं मिल रही थी ना एक्चुअली, उससे ज्यादा मुझे डेस्कटॉप पे मिल रही है। आपको लाइव 2 बार एग्जाम्पल दिखाया मैंने कि तब आप ऐसा ब्रॉडबैंड यूज करना चाह रहे हैं जियो ट्रू 5G नेटवर्क को, तो इससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है कि आप और अच्छे तरीके से यूज कर पाए। यहाँ पे हम डाउनलोडिंग स्पीड देखें तो कितनी हमें मिलती है देखने के लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा इंटरफेस आ गया डाउनलोडिंग का, और यहाँ पे मैं जैसे ही डाउनलोडिंग के लिए जाऊंगा तो वहां पे मुझे कितनी Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड मिलेगी। तो ऊपर हमें 22-23 Mbps की स्टेबल डाउनलोडिंग स्पीड मिल रही थी, लेकिन यही बात मैं यहाँ पे करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ड्रॉपनेस देखने के लिए मिल रहा है। जो स्पीड है वो अराउंड 5 Mbps की देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे हमने मूवी में डिफरेंस रखा है, तो शायद ये मूवी ज़्यादा लोग डाउनलोड कर रहे हो तो इसलिए। तो हम चलते हैं बैक उसी मूवी पे, तो हम वापस आ चुके हैं उसी मूवी पे जहाँ पे हमने ऊपर डाउनलोड की थी सेम मूवी सेम MB, और इसमें हमें क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो हम डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो स्पीड है हमें सेम मिलने लग गई है, क्योंकि कोई मूवी ज्यादा डाउनलोड की जाती है, जैसे कि हमने भोला लगाई थी तो वहां पे बहुत ज्यादा लोग अभी डाउनलोड कर रहे हैं, उसे देखना चाह रहे हैं, लेकिन इस मूवी में लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे सेम ही स्पीड मुझे मिल रही है 100 Mbps की भी स्पीड पे, और ऊपर हमें 23-24 ही मिल रही थी, और यहाँ भी हमें अराउंड 22-23-24 अराउंड ही देखने के लिए मिल रही है। तो आप लाइव डेमो में देख भी पाएंगे कि जितनी स्पीड हमें ऊपर मिल रही थी वही स्पीड हमें डाउनलोडिंग पे मिलती है। मतलब आप 100 Mbps का कनेक्शन यूज कर रहे हैं तो वही स्पीड, क्योंकि आप 100 Mbps की स्पीड से डाउनलोडिंग नहीं कर रहे, तो अराउंड सेम ही डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे हमारे जो अभी हमने चेक किया था कि हमें जो स्पीड मिल रही थी, तो आप यहाँ पे देखेंगे दोबारा से जो स्पीड है वो अराउंड उतनी ही है, कुछ ज्यादा बिग डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलता। 162 हमें अभी रिसेंटली देखने के लिए मिल रही थी, अब नेटवर्क स्टेबल हो चुका है, तो इसलिए मतलब 10 Mbps का इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह है कि आप प्रॉपर तरीके से 5G नेटवर्क को, जियो ट्रू 5G नेटवर्क को एज अ ब्रॉडबैंड यूज करना चाह रहे हैं, तो आप विथाउट मोबाइल यूएसबी थेरिंग के बिना नहीं कर पाएंगे। हॉटस्पॉट से बहुत ज्यादा ड्रॉपनेस रहती है। अब मैं क्योंकि यहीं पे मैं बात करूं डेस्कटॉप में, तो मैं नॉर्मली अपना ब्रॉडबैंड सिस्टम चला रहा हूँ, जो कि 40 Mbps का, आपको लाइफ टाइम वो भी दिखा दूं, जो मुझे स्पीड मिलती है वो यहाँ पे रिंग फिरिंग के 40 Mbps तक पहुंच जाएगी। तो अराउंड आप देखेंगे 40 Mbps का कनेक्शन है, वो भी मैं एज अ एक्सटेंडर यूज कर रहा हूँ। तो
38.9 Mbps। तो मतलब इसी स्पीड पे हम ब्रॉडबैंड यूज करते हैं रेगुलर, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली जब मोबाइल यूज करता हूँ तो मेरी स्पीड बहुत ज्यादा पहुंच जाती है, 5 गुना ज्यादा। तो यही था आपको आज वीडियो में बताने का तरीका कि किस तरीके से आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिल जाता है, लेकिन यह है कि आप थोड़ी सी ट्रिक यूज करेंगे तो ब्रॉडबैंड की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।